माइलस्टोन है दिलिये जिद्दी के लिए। हमने इतने ग्रैंड लेवल पर कभी कुछ शूट नहीं किया था अब तक, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है। तो बेसिकली अंशुमन के घर पे 31st सेलिब्रेशन हो रही है न्यू ईयर के लिए, एंड काजल बहुत एक्साइटेड है क्योंकि वो इतने बड़ी पार्टी में कभी नहीं गई है पहले, तो वो अपनी फैमिली के साथ आ रही है, बहुत एक्साइटेड है। और उसको अपनी मम्मा को स्पेशल रीज़न यही है कि उसको अपनी मम्मा को सरप्राइज़ देना है एक डांस परफॉर्मेंस से, तो बहुत एक्साइटेड और नर्वस है। अभी तक वैसे शूट वाइज तो हमने शूट किया नहीं है, तो डांस परफॉर्मेंस वैसे काजल तो काफ़ी खो गई थी अंशुमन के साथ परफॉर्म करते करते, लेकिन बाद में उसे रियलाइज़ हुआ कि उसकी मम्मा है ही नहीं, उन्होंने परफॉर्मेंस देखा ही नहीं, तो काफ़ी शॉक्ड है, थोड़ी परेशान है, पर फिर भी उसे समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो भी सकती है। पर पता चला कि मम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है इस बात से, और वो कुछ समझ नहीं पा रही है, बहुत कंफ्यूज्ड है काजल। नहीं, एक्चुअली ये पार्टी ही इसलिए ऑर्गेनाइज हुई है ताकि कामिनी और तानिया मिलकर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सके। वैसे नहीं तो इनवाइट ही नहीं करती तानिया पार्टी में, उसका प्लान ही था। तो उनका वही है, रोचक के पास ना रहो ये कामिनी चाहती है, और मैं अंशुमन के पास ना रहो ये तानिया चाहती है, तो दोनों मिल गए हैं, मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, यही है सब कुछ, अब वही ज़्यादा हो रही है, यही ऐसी ही होती है लाइफ, जो नहीं चाहते वही होता है। हाँ नहीं, मजाक कर रही हूँ, लेकिन दोनों के वजह से मैं बच जाती हूँ। रोचक भी एक हीरोइक एक्ट करता है, हम दोनों को लिटरली वो बचाता है, और अंशुमन ने भी अपने आप को मेरे ऊपर कवर करके प्रोटेक्ट कर लिया है मुझे, तो मेरे दोनों दोस्त मेरे काम आ रहे हैं। काजल अटक गई है बेचारी, काजल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जहाँ जाना चाहती है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ ही जाती है, अभी उसे डांस करना है तो डांस में भी प्रॉब्लम, क्या करेगी काजल। 31st आ रहा है यार, सो ऑब्वियस है कि न्यू ईयर की पार्टी होगी। एज आप लोगों को पता ही है कि काजल कितना मेरे लाइफ में हेल्प बन चुकी है, और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी लाइफ से बाहर निकल जाए, स्पेशली मेरे भाई की लाइफ से बाहर निकल जाए, तो उसी के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। वो एक डांस परफॉर्मेंस करने वाली है, और मैंने ये प्लान किया है कि जिस जगह पर वो डांस कर रही है उसके एग्जैक्ट ऊपर शेंडर है, और वो गिरा के मैं उसको मारने का प्लान कर रही हूँ। ऑफकोर्स वो बहुत अच्छी डांसर है, बट एट द सेम टाइम मैं नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो उसके साथ डांस करे, क्योंकि हमारा स्टेटस मैच नहीं करता है। तो मेन तो मेरा यही मोटो है कि वो दूर रहे मेरे भाई से। जी, हमारे स्टाइलिस्ट का ये है दिया हुआ। वी हैड फ्यू ऑप्शंस, बट उसमें से फिर हमने ये फाइनल किया था, बिकॉज ब्लैक ऑलवेज लुक्स द बेस्ट। सो या